Good afternoon, everybody. Oasis camp ki taqat main aise bayan kar sakta hu. Viral priya ka ek phone aata hai, hum kabhi na nahi karte. To ye Oasis camp ki ye taqat hai jo hame kheench ke lati hai. Halanki ghar mein bahut problems hoti hain, magar maine un problems ko kabhi nahi dekha hai. उमर का प्रोग्राम था तो विरल भैया ने कहा कि ऐसे कैंप है, मुझे पता भी नहीं था क्या कैंप है. जिंदगी में मैं एक बात है पॉजिटिव सोचता हूँ तो इसलिए सारा कुछ पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव हुआ तभी हमने ये कैंप भी अटेंड किया इतना अच्छा. अगर नेगेटिव सोचते शायद घर बैठते तो शायद इतना अच्छा प्रोग्राम हमें नहीं मिल पाता. तो ओएसएस के बारे में, बदलाव के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट ईयर शेयर किया है, अब वो दोबारा शेयर नहीं करेंगे. हम कुछ नया बताएंगे, मतलब जो एक्सपीरियंस है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ओएसएस कैंप के पहले का जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, उसके बाद कैंप के बाद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगा. बीइंग ए म्यूजिक लेक्चरर तो हमें 15 अगस्त, मतलब इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे बच्चे ले जाने होते हैं. लगभग 60 स्टूडेंट्स हमको ले जाने होते हैं प्रोग्राम के लिए टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. तो बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं तभी वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वरना तो नहीं आएंगे. तो वैसे भी हम जब से हमने, मतलब शायद एज टीचर आए हैं तो हमारा एक प्यार बना रहा है स्टूडेंट्स के साथ. तो बच्चे उनके हम मोबाइल नंबर्स रखते थे अपने पास, तो हम बुलाते थे, बच्चे आ जाते थे. कभी हालात ख़राब होते थे फिर उन 60 स्टूडेंट्स को हमको कॉल करना पड़ता था कि नहीं आज हालात ठीक नहीं, आप आज नहीं आ जाए. उसके बाद हमने जब ओएसएस कैंप, फ्रेंडशिप कैंप हमने गुलमर्ग में जब किया तो बहुत चीज़ें हमने भी सीखी, क्योंकि हम अपने आप को उस्ताद समझते थे लेकिन यहाँ उस्तादों के भी उस्ताद मेरे भैया से हमने बहुत कुछ सीखा. हालांकि हमारी आज 32 ईयर्स सर्विस है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन मुझे लगता है हम फिर भी आज बच्चे बच्चों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं. कभी कभी एक छोटी छोटी बात भी टच कर जाती है जो शायद हमें, मतलब ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम अभी स्टूडेंट हैं. छोटी छोटी बात भी कभी ऐसी टच कर जाती है. तो हम फ्रेंडशिप कैंप जब करके आए तो मुझमें भी एक हौसला था, जज्बा था काम करने का, बच्चों को कैसे हम एक सही दिशा दे दें. तो यही जज्बा हमने रखा, कायम रखा 2017 फ्रेंडशिप कैंप करने के बाद. तो हमारा ये कोशिश थी कि और फ्रेंडशिप कैंप्स होते, हम और बच्चों को, जैसे ये बच्चे हैं वो आए, हम और बच्चों को तैयार करते, मगर किसी कारण ऐसा नहीं हो सका हालातों की वजह से 2018 में. लेकिन हमारा हौसला टूटा नहीं. जब 2018 का पहला सेशन स्टार्ट हुआ बच्चों का, जब एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ, तो पहला दिन हमारा, हमें वही फ्रेंडशिप कैंप जो था ये दिमाग में था. तो सबसे पहले दिन हमने बच्चों की आपसी इंट्रोडक्शन करा एक दूसरे से. बच्चों ने, मतलब स्टेज पे आके अपना नाम बताया, कहाँ रहते हैं, ड्रीम क्या है और पुरानी एक्सपीरियंस क्या है. और हम रजिस्टर लेकर वो बैठ गए, उनके मोबाइल नंबर्स सारा कुछ उनका, मतलब अपडेट किया उनका, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमने इन पे काम करना है. जैसे क्योंकि हमने सीखा था फ्रेंडशिप कैंप से, तो और फिर हमने उन बच्चों को कहा कि आप जैसे, मतलब वहाँ पे हमने कहा था कि ऐसे दो दो जम इकट्ठे हो जाओ, फिर चार चार, जैसे ये मैंने वहाँ पे भी किया. मतलब कोई भी प्रोग्राम करने के लिए जरूरी नहीं है कि, मतलब आप फ्रेंडशिप, आप कैंप 8 दिन आपको बच्चों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप वो प्रोग्राम ही नहीं करोगे कोई. हमने डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो यूटिलाइज किया. तो उस तरह से बहुत सारे बच्चों को हमने कहा कि आप जितना इतना कोशिश करो नाम याद रखने की, वो सारा कुछ एक्टिविटी हमने पहले ही दिन से स्टार्ट किया और उसका हमें बहुत फायदा हुआ.
अब वो इतने बच्चे आपस में फ्रेंड्स बन गए थे, कोई भी प्रोग्राम होता था जो वो बात पहले वाली थी, हमको 60 बच्चों को फोन करना पड़ता था कल आना है, हम एक बच्चे को फोन करते थे, वो 60 बच्चों को आपस में। हमने ये देखा कि फ्रेंडशिप कैंप में कितनी ताकत है, हमें कुछ एग्जर्ट नहीं करना पड़ता है। अब कोई प्रोग्राम है, जैसे कोई गाना है, हम क्या करते हैं, एक बच्चे को ऑडियो क्लिप भेजते हैं, प्रैक्टिस करो, वो 60 बच्चों को पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सब कुछ हमने फ्रेंडशिप कैंप से सीखा, और इसके बाद हमारे बहुत सारे कंपटीशन हुए। दिन में हम क्या करते थे, मेरा ये है कि अपना म्यूजिक सब्जेक्ट है, म्यूजिक रूम में बैठना है, कहीं ये तो नहीं जाना है। जो भी बच्चों के फ्री क्लासेस होते हैं, जैसे साइंस पढ़ के कोई बोर होता है तो वो जरूर म्यूजिक रूम में आता है, क्योंकि म्यूजिक सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो खींच के लाता है। तो दिन भर जिसकी जो मर्जी होती है, कोई डांस करना चाहता है, कोई म्यूजिक सुनना चाहता है, कोई गाना चाहता है, तो एक्टिविटीज वो खुद करते हैं। सिर्फ हमको क्या है, उनका बस ये उनको थोड़ा सा हमको हौसला देना होता है कि नहीं आप बहुत अच्छा करते हैं। उस हौसले से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों में बदलाव आया, बच्चों ने बहुत मेहनत की, और हमारे मतलब जो कोठी बाग है वो वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स है कश्मीर की, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग सबसे बड़ा स्कूल इंस्टीट्यूशन है। और भी इंस्टीट्यूशन बड़े हैं, जैसे मीरा कदल है, सोनोवार हायर सेकेंडरी है, तो उनका कंपटीशन हुआ, डांस मुकाबला हुआ, और हमारा ही स्कूल उसमें अव्वल रहा। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने देखी, ये सारा कुछ जो था ये फ्रेंडशिप का कमाल था, मतलब बच्चे आपस में जुड़े, एक दूसरे से सीखा, तो ये सबसे बड़ी बात थी। और फिर उन बच्चों ने ही जो मतलब हमारी वो संस्था थी, कोई एनजीओ था, कश्मीर म्यूजिक एकेडमी थी कोई, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, तो फिर उन बच्चों ने ही कहा कि इस टीचर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, इसको कुछ मिलना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जब बच्चा कहे कि हमारे लिए टीचर कोई कर सकता है। बेसिकली सारा कुछ मैं श्रेय उन बच्चों को देता हूँ जिन बच्चों ने मेहनत की है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से भी टीचर की पहचान हो सकती है, ये ताकत ओएसिस कैंप की।